और निकलो वो लाइट बंद करके लाइट पहले पूरी लपेट फोल्ड कर और सारे गिफ्ट्स रखना है। गाइस इतनी थक गई हूँ, सी माय अंडर आइज, बहुत तेज नींद आ रही है। सबने बहुत हेल्प कराया पैक करने में, बट अभी फिर भी सब कुछ बाकी है, ये समझ लो कि सब कुछ बाकी ही है। और हैव अ लुक, अब ये पूरा फुल है, इसको नहीं निकाला अभी, वो पूरी कबर्ड बाकी है, ये दो सेक्शन तो खाली है बट इसके नीचे वाले दो बाकी हैं। एंड हालत देखूंगा, ये पैक्ड है, ये सब कुछ पैक है, ये पूरा पैक है, वो भी पैक्ड है, और ये सारा मेकअप पैक है। अब कल तो मुझे सेलिब्रेट करना है बर्थडे, तो वैसे भी अभी सामान शिफ्ट होने में टाइम लगेगा। आउच, मैं पहले जा रही हूँ अपने हैंड वॉश करने, लुक एट माय हैंड्स, बहुत मैस हो गया था सच में। और मैं उसके बाद अपना फेस वॉश करूँगी, हैंड वॉश करूँगी, और मुझे नींद आ रही है बहुत तगड़ी वाली, बहुत तगड़ी वाली नींद आ रही है सच बता रही हूँ, सबको आ रही है। इट्स 12:45 आई गेस, हाँ बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, और उसके बाद सोना है, सुबह मुझे उठना भी है। और आई डोंट थिंक सो कि अब कल का गेट रेडी विद मी शूट होगा, कल है मासा का बर्थडे तो उसका व्लॉग भी शूट करना है हमको। या गाइस तो देख लेना, क्योंकि शायद ये शिफ्टिंग व्लॉग से पहले मासा का बर्थडे व्लॉग आ जाएगा मासा ट्यूबर पे। गुड नाइट मेरे लिए, आपके लिए पता नहीं कब आप किस टाइम देखोगे ये व्लॉग और कब लाइव होगा, नो आइडिया। मतलब मैं अपने फ्लैट पे आई हूँ, और इतनी जल्दी में आई मैं कि मैं बिल्कुल ही भूल गई कि मैंने कुछ भी नहीं लगाया चेहरे पे, ना मस्कारा ना आईब्रोज कि मैंने, क्योंकि आपको पता ही है इसके बिना तो मैं निकलती नहीं हूँ, बट स्टिल कुछ नहीं करा और बिना मेकअप के ही आ गई। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फिनिशिंग एंड सेटिंग करने के लिए जा रहे हैं, एक सेकेंड। सो पूरा सामान ऐसे फैला हुआ है, जस्ट लुक एट दैट, और रूम भी देखो सारा रूम फैला हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ी सफाई करूँगी, मैं और मम्मी आए, मम्मी हाय हाय, मम्मी और मैं साफ करने जा रहे हैं, सफाई करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा को संभालना था, तो भाभी घर पे ही हैं अभी। हम थोड़ा सा सामान जो फैला है उसको थोड़ा सेट करेंगे, रखेंगे, देन बाकी फर्नीचर आएगा। थकेले हुए लग रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। अच्छा अभी बहुत इको आ रहा होगा, लुक किस तरीके से सामान डाला गया है, अभी हमने बस ऐसे रख लिया है क्योंकि हमें पता है मेरे पास कपड़ों की कमी नहीं है, माया वाला का शुक्र है बहुत ज़्यादा है, तो ये वाला और नीचे वाला मेरा नहीं है, और ऊपर बाकी हमने और अपने ब्लैंकेट वगैरह रख दिए हैं। आई और यहाँ पे जो इतना मेस दिखाया था मैंने आपको, अभी आप देखो कितना कम हो गया है। एंड तो मुबारक हो, थैंक यू सो मच। सो अरे ये तुम कौन से जमाने की हीरोइन लग रही हो, ला 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 ला, आ गए फाइनली हम आपके पास। आप नहीं आए, ये आई हमारे पास, मेरी नेबर बनकर हम पड़ोसी बन गए हैं, फाइनली हम पड़ोसी बन गए हैं। सी लेकिन इसके अंदर भी मैंने अपने सारे होम डेकोर के आइटम्स भरे हुए हैं, फोकस सारे रख रही हूं नीचे खाली, अभी इसमें भरना है यार, ये देख इसमें अभी इसमें स्पेस बनाया है इसमें रखने के लिए। सो हम लोग आए हैं, हम नहीं आए, मैम आई है हमारी ड्यूटी पर से, बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, तो अब हम कुछ ऑर्डर करेंगे क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी, पता है कितनी मेहनत करी आज। ये क्या बात कर रही हूँ, मुझे ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करना, साथ करके फाइनली हमारा खाना आ गया, ये खाना खोलेंगे अभी, पहले हाथ तो धो ले, हाथ तो इतने गंदे हो रहे हैं। गाइस हम लोगों को भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, तो हमने खाना ऑर्डर किया है, बिल मुझे मत दिखाओ, मेरे को तकलीफ होती है बिल देख के, इतना GST और ये सब ले लेते हैं लोग, इतना टैक्स राउंड फिगर। ओके सो लंच टाइम कितने बजे, 3:30 बज रहे होंगे, हाँ 3 बज रहे होंगे। ओके बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, हालत भी बहुत गंदी हो गई, घर जाके फ्रेश होना है। गाइज अब आप देख सकते हो पहले से
बहुत ज़्यादा क्लीन, बहुत ज़्यादा सेटल्ड लग रहा है सब कुछ। घर निकल रहे हैं, कल फाइनली पूरा सामान आ जाएगा और उसके बाद फिर दोबारा से रखना शुरू करेंगे। सर रात हो गई है, 7 बज गए हैं, तो अब घर निकल रही हूँ वापस। ओके, ये ब्लॉग अभी कंटिन्यू होगा। ओके ओके, सो आज शिफ्टिंग का है डे 3। गाइज मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरे कैमरे की बैटरी मैंने लगाई नहीं और मैं कैमरा लेके आ चुकी हूँ। और उसके बाद मुझे याद आया शिट अब क्या करूँ। सो आज का आई थिंक मैं शूट बहुत ही मिनिमम करने वाली हूँ और मैं फ़ोन से कर रही हूँ, तो इसकी ऑब्वियसली यू गाइज नो कि मेरे फ़ोन की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अप्रूव नहीं होगी कंपेरिजन टू कैमरा। सो यू गाइज सी कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। ये जो अलमीराज होती हैं ये ज़्यादा टाइम नहीं टिकती, तो बट मैंने इनमें काम भी करवाया था जिसकी वजह से ये और कमज़ोर हो गई थी। और मैंने इसका नीचे का शेल्फ निकलवा दिया था जब मैं अपने पहले वाले रूम में इसमें काम करवाए थे, तो उसकी वजह से इसको जैसे ही ला रहे थे जस्ट लुक एट दैट, ये पूरी की पूरी एक एक टुकड़ों में टूट गई यार। मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा है, बट इट्स ओके। ऑलरेडी यहाँ पे फर्नीचर तो इनबिल्ट है, तो मतलब यू नो कवर्स इनबिल्ट हैं, मुझे उतनी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल यार थी तो क्यों वेस्ट करना। तो इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बट स्टिल अब यहाँ पे आ चुकी है और अंदर यहाँ पे बेड भी आ गया है। अच्छा बाय द वे, मैंने अपना टीवी यूनिट आपको नहीं दिखाया था, ये पूरा का पूरा मैंने ही डिज़ाइन किया था क्योंकि मुझे कुछ शो पीसेस भी रखने थे, तो मैंने ये शेल्व्स बनवाए हैं एंड 2-in-1 में मैंने ये कबर्ड्स बनवाए हैं। नीचे चेस्ट ड्रॉर्स हैं, ऊपर लाइट्स लगेंगी, सो मैंने सोचा कि मैं दिखाई देती हूँ। और यहाँ पे भी फिलहाल काम, मम्मी ये एक बेड आया है, ये वाला बेड आया है छोटा वाला जो इसी रूम में सेट होने वाला है, यहाँ का काम चल रहा है। और यहाँ पे लाइट की बढ़िया आती है ना, मैंने जानबूझ के वाला रूम लिया कि मैं अगर लाइट नहीं है तो भी मैं ना लाइट में शूट कर पाऊँ। तो यहाँ से आप वैसे फ़ोन जब नेचुरल लाइट में आता है तो कितने अच्छे से शूट होता है, नहीं अंदर का बिल्कुल अंधेरा हो गया। तो ये रहा बाहर का एरिया, ओह बाहर काम चल रहा है। कर लिया है और यहाँ पे ये दो ड्रॉर्स, सेकंड ये वाली है और वो मम्मी का ड्रेसर टेबल, ड्रेसिंग टेबल सेट हो गया है। हाँ पापा, हाँ बस। और यहाँ पे हमारे यू नो किचन के काफ़ी सारे सामान है, तो वो भी मैंने सेट कर ही दिया है, मतलब बॉक्सेस में शीन के मेरे दो बॉक्स हैं। अभी टीवी की सेटिंग नहीं हुई है तो टीवी यूनिट खाली है। हमारा मेरा सोफ़ा सामने, इस घर का सोफ़ा सामने वाले फ्लैट में है, दिख रही होंगी मम्मी आपको वहाँ से, मतलब मेरे वाले में मम्मी है, वो फोकस भी हो गया, ग्रेट। तो ये वाला एरिया अब क्लीन करवा रहे हैं ताकि हम लोग आ जाएं। मैं झाड़ू लगा रही हूँ। सो ऑलमोस्ट शिफ्टिंग हो गई है, बस लास्ट डे जो है वो आज हम अपने घर में बिताने वाले हैं। लोग सोचेंगे कैसे कैसे, बट डोंट वरी, कोई ना कोई इंतज़ाम हो ही जाएगा कि वहाँ पे भी एक ऊपर मेरे रूम में जैसे मैंने दिखाया था मैट्रेस पड़ा है, उसी तरह एक और मैट्रेस ऊपर है, तो हम वही मैट्रेसेस यूज़ करेंगे आज सोने के लिए। क्योंकि अभी किचन में मेरा काफ़ी सामान है, अवन रखा है, मेरी रिंग लाइट्स, मेरे स्टूडियो का सेटअप पूरा रखा है वहाँ पे जो कल आएगा, और दोनों अलमीराज वहीं रखी हुई हैं। एक अलमीरा तो हम लेके नहीं आ रहे हैं। ऑलमोस्ट शिफ्टिंग हो चुकी है, लेकिन सेटअप जो शिफ्टिंग का पूरा सेट है वो टाइम लेगा, टेक्स टाइम गाइस। दिस इज माय हॉल, लुक एट द कंडीशन, सच अ मेस, लाइक सच अ मेस, सीरियसली। ये मेरे को सारी बास्केट्स निकाल ली हैं यहाँ पे, तो दोनों रख गए हैं मेरे चेस्ट ड्रॉर्स दोनों अच्छे से मेरे सेटअप हो रखे हैं। दिस इज माय बेडरूम। आज है लास्ट डे शिफ्टिंग का एंड फाइनली हम हो गए हैं शिफ्ट, एंड टुडे इज आई गेस 19,
आई थिंक 19 है क्योंकि मैं चाहती थी 19 से पहले शिफ्ट होना. गाइज लुक एट दैट शीन के बॉक्सेस, वो दो बॉक्सेस, वो बैग, उसके अलावा वो पैकेट. मुझे शीन का स्प्रिंग कलेक्शन वीडियो शूट करना है. शीन ने मुझे काफ़ी टाइम से भेज के रखा हुआ है बट मैं अभी डिले कर रही हूँ. बट मुझे, मेरे पास टाइम है इसलिए मैं चाहती थी 20 से पहले शिफ्ट हूँ. 22 से मैं कल मोस्ट प्रोबेबली शूट करूँगी इसका वीडियो इसी घर में. फाइनली मेरा फर्स्ट वीडियो शीन का वीडियो होने वाला है या फिर मिनीसो का, जो कि ये रखा मिनीसो का बॉक्स. So yeah, I'm so much tired. Like I can't show you my legs and you know, बहुत गंदे. And this is how it looks my room right now. The condition of my room. So अब मैं धीरे धीरे करके, अब अभी इस रूम में मुझे रहना नहीं है, मुझे तो रहना उधर ही है मम्मी पापा के पास. तो मैं धीरे धीरे करके ये वाली चीज़ें सब शिफ्ट कर रही हूँ, सब पैक कर अनपैक कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें अनपैक कर रहे हैं और शिफ्ट कर रहे हैं अपनी जगह पे. एंड मेरे किचन में भी बहुत सामान है क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अभी नहीं रहना है मुझे अभी, तो यहाँ पे कल अब मैं मेरे वॉल्स का काम यहाँ पे स्टार्ट कराऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ यहाँ पे थोड़ा खाली हो जाए स्पेस. सो कल मेरे फर्नीचर का एंड उसका काम होगा. सो या ये है शिफ्टिंग व्लॉग. अभी मैं थोड़ा बहुत और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कैसे कैसे मैं अनपैक कर रही हूँ. सी मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे मेकअप का एम भी नहीं पता. हाँ, मैंने यहाँ पे अपने सारे परफ्यूम्स रख दिए हैं और अपने वास वगैरह, क्योंकि दे आर एक्सपेंसिव यू नो. मेरे परफ्यूम्स तो, मुझे सारे परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो यहाँ पे मेरे परफ्यूम्स हैं. ये रहे मेरे परफ्यूम्स. एंड देन मेरा छोटू सा टेडी बियर अंदर है. ये शेल्फ खाली है. ये मेरे यू नो शायद फैन ने गिफ्ट दिए हैं. ये मुझे वॉल्स में लगवाने हैं तो ये रख दिए मैंने यहाँ पे. दिस अलमीरा, एक्चुअली अलमीरा अभी छोटी है. मैंने मम्मी और अपनी अलमीरा को कंपेयर किया, मम्मी की बहुत ह्यूज है और मेरी छोटी है. ये मेरा भी क्लॉजेट इस तरीके से दिख रहा है, इसमें हैंगर नहीं है, ऊपर तो पूरा फुल है यू नो मैट्रेसेस एंड जो भी हमारा सामान है उस तरीके से. सो यह ये चेस्ट ड्रॉर्स हैं, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना बेड है ना कोई और चेस्ट ड्रॉर है. एंड इन दिस रूम जहाँ मैंने, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी लाइट रखी है. आप देख सकते हो इस रूम में ज़्यादा इको है एज कम्पेयर टू मेरा अदर रूम. और हमारा टीवी भी यहीं रखा हुआ है. एंड दिस मिरर, सो ह्यूज मिरर. और हमारा जो फ्लैट है वो है फर्स्ट सेकेंड फ्लोर पे कह सकते हो आप. एंड दिस इज़ माई फेवरेट वन, लाइक ये मेरी अभी ड्रॉर फेवरेट है. इसमें मैंने सारा अपना सामान पैक करके, कुछ डिकोर का आइटम है एंड कुछ आपको मैं जैसे बताया कि मेरी अलमीरा देखो टूट गई है एंड रात हो गई है शिफ्ट होते होते. 6:30 और 6 समथिंग कुछ हो रहे हैं. मैं इसके डोर को क्लोज कर रही हूँ. मैडम मैं जा रही हूँ ये अनपैक करने. फहीम भी ये सेम व्लॉग बना रहा है, तो आप चाहो तो उसका व्लॉग भी देख सकते हो. हाँ अच्छा, आप दिखा रहे हो किसी को वीडियो कॉल पे अपने फ्रेंड को. अच्छा ओके ओके. सो या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. सच बताऊं मैं अभी बहुत सेंटी थी. इवन मैं गली में जब निकली तो एक आंटी मिल गई थी, मैं रोने लग गई, बहुत रोई क्योंकि वो घर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. इसलिए मैंने उसे सेल भी नहीं किया है. वो अभी रहेगा पता नहीं कब तक, पर वो रहना चाहिए. और मेरे पापा का दिल भी वहीं पे है. मैंने पूछा पापा से कि आपका दिल, आपको दिल को तकलीफ नहीं है पापा जब आप शिफ्ट हुए, तो कह रहे मेरा, सच बताऊँ तो मेरा दिल वहीं पे है क्योंकि उसको बनाने में हमने बहुत मेहनत की थी. मतलब मैंने तो छोटी सी थी बट पापा ने बहुत मेहनत की थी. वो खुद लग के उसको बनवाया था उन्होंने, बनवाते रहे बनवाते रहे. तो उस पर मेहनत, पैसा जो लगा लगा, पर वो मेहनत जो थी ना. और वहाँ शायद सेल्स भी मैं वहीं से बन के निकली हूँ. मैंने अपनी कॉलेज पूरी, डिग्री, अपनी जॉब, अपने अमायरा, अपनी भाई की शादियाँ, दोनों भाइयों की शादियाँ, तीनों मेरी भतीजियाँ, सब मैंने सब देखा, सब कुछ ऊपर नीचे का फेस देखा. मैं वहाँ के लिए नई फर्नीचर्स, नया रूम का सेटअप, फर्नीचर सब कुछ करवाया. सो गाइस नो दैट कि कितना यू नो घर मक चार पत्थरों से नहीं, बहुत फीलिंग्स जो होती हैं उनसे बनता है. सो बस वही सारी फीलिंग्स. सो यार गाइस बहुत लंबे चौड़ा लेक्चर तो मैं देती ही हूँ. सो ये था आज का मेरा शिफ्टिंग व्लॉग, जो मैं यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि शिफ्ट होने में अभी हमें पूरा सेट करने में बहुत टाइम लग जाने वाला है. ऑलमोस्ट 15 से 1 मंथ लग जाएगा. इट्स नॉट ईजी. एंड यहाँ की लाइटिंग आई थिंक परफेक्ट है मेरे व्लॉग्स के लिए. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड कि मेरे सारे व्लॉग्स यहीं से कॉन्टिन्यू होंगे जो नेक्स्ट व्लॉग आप देखोगे. तो अब मैं कल शूट करने वाली हूँ इसके बाद कि लाइक माय फर्स्ट डे इन माय न्यू हाउस जो कैसा जाने वाला है. सो अभी रात से स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि पहली रात कैसी गुजरने वाली है मुझे नहीं पता. पैरों में बहुत दर्द हो रहा है. आई थिंक मैं पैरासीटामोल समथिंग कुछ खा के सोऊंगी, कॉम्बी फ्लेम या कुछ भी. पैर में बहुत पेन हो रहा है. सो या आई लव यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स. पढ़ रही हूँ मैं सबके ब्लेसिंग्स वो मेरे न्यू वाले हाउस टूर में. बाय.